हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के युग में सब लोग एक बहुत ही असमंजस में पड़े हुए हैं। असमंजस इस बात का कि कल की अवतार आने वाले हैं या आ गए हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि कैसे पहचान करें असली कल की भगवान और नकली कल की भगवान, क्योंकि कुछ लोग तो समझ ले रहे हैं कि भाई ये असली कल की भगवान नहीं है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो इनोसेंट भी हैं वो नकली कल की अवतार पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करने लगे हैं, उन्हें ही वो कल की अवतार मान लिए हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। सारी बातें उन्हें पता है, फिर भी वो फेक कल की अवतार पर भरोसा कर रहे हैं। आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसी पहचान बताऊंगी आपको जो सिर्फ और सिर्फ कल की भगवान के पास ही होए, किसी और के पास वो पहचान नहीं होगी। कौन सी है वो पहचान? जिसके बारे में पुराणों में लिखा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार लेकर ही इस धरती पर आएंगे, वो आज मैं आपको वीडियो में उसका खुलासा करूंगी। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस पहचान के द्वारा आपकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, आप असली और नकली की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस पहचान से जान लेंगे कि कल की भगवान कैसे हो। पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में इस बात की चर्चा है कि विष्णु भगवान दसवें अवतार के रूप में कल्कि अवतार जब इस धरती पर प्रकट होंगे तो जन्म से ही उनकी छाती पर दाहिनी ओर श्री वत्स का चिन्ह रहेगा। श्री वत्स वही सिंबल है जिसको लेकर कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे। ये वो चिन्ह है जिसे कल्कि अवतार के अलावा किसी और के पास नहीं देखा जा सकता। कितनी भी आप असलियत को छुपाएं, लेकिन ये चिन्ह सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार के पास ही होगा। कैसा होगा ये चिन्ह? ये चिन्ह कोई ब्रास का या ब्रोंज का बना हुआ नहीं रहेगा, या स्किन में खुदा हुआ दाग नहीं होगा, बल्कि पुराणों में कहा गया है कि विष्णु भगवान के यानी कल्कि अवतार के छाती पर दाहिनी ओर श्री वत्स का चिन्ह यानी सफ़ेद बालों का एक गुच्छा रहेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सफ़ेद बालों का गुच्छा, छोटा सा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ पर विराजमान हो। श्री वत्स का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और वत्स मतलब बिलव्ड, यानी लक्ष्मी जिसे प्यार करती हैं या लक्ष्मी जी का जो प्यारा हो। कहने का अर्थ विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के दिल पर लक्ष्मी जी ही वास करती हैं और लक्ष्मी जी के दिल पर भगवान विष्णु का राज होता है। तो यही है वो पहचान, सफ़ेद बालों का गुच्छा, श्री वत्स का चिन्ह, जो कल्कि अवतार, असली कल्कि अवतार की छाती पर दाहिनी ओर होगा। ये किसी और के पास हो ही नहीं सकता। तो आपको जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मैं हूँ कल्कि अवतार, उनसे कहिए ये चिन्ह आपको दिखलाने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। क्योंकि झूठे से, धोखे से वो छोटे मोटे कोई चमत्कार आपके सामने कर देते हैं और आप भी मान लेते हैं कि हाँ भाई यही है कल्कि भगवान, तो आप अपनी श्रद्धा और भक्ति पूरी तरह उन पर उडेल दे रहे हैं, जबकि ये आपका पाप हो रहा है। तो कल्कि भगवान के पास ही सिर्फ
श्री वत्स का चिन्ह होगा, किसी और के पास नहीं। आशा है मुझे भी कि अब आपकी आंखों पर से पर्दा हटेगा और असली कल्कि अवतार की पहचान आप कर पाएंगे। जिनके पास भी आप जाएंगे, कोशिश कीजिए और उनसे पूछिए क्या उनके पास श्री वत्स का चिन्ह है, जिसकी चर्चा पुराणों में है और जिसका खुलासा मैंने अभी अपने वीडियो में किया है। इसके अलावा कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, वो मणि भी कल्कि भगवान के पास ही होगी। लेकिन कलयुग में आज तो हर चीज़ नकली है, तो कौस्तुभ मणि भी हो सकता है वो लोग किसी भी तरह से, ब्राउन कलर की जो होती है कौस्तुभ मणि, वो नकली पत्थर भी आपको दिखा दें कि हाँ देखिए ये मेरे पास है। लेकिन श्रीवत्स नकली नहीं बनाया जा सकता है, उसमें किसी तरह की चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि यह दैवीय वरदान है और इसे भगवान अपने साथ लेकर ही इस धरा पर आएंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करती हूँ पसंद आएगी और अब आप जान जाएंगे असली कल्कि अवतार कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।